इस वक्त मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहती हूं सर। जो भी कुछ अब पीडीएम में फैसले हो रहे हैं, जो कुछ आप लोग चाह रहे हैं या जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया सेनेट इलेक्शंस के हवाले से क्यों चाहते हैं कि इस्तीफे दे दिए जाएँ, सर लीगल एक्सपर्ट्स मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मौजूद हैं, कानूनी माहिरीन पीपल्स पार्टी के पास भी मौजूद हैं, सर आप भी कानून बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स की राय सुनी आपने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये जो कुछ प्लानिंग हो रही है इससे? देखिए वही तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है और ये इसका लीगली तौर पे तो कानूनी असरात इसके वो नहीं है, लेकिन एक हुकूमत की इखलाकी कुव्वत होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत करती है। और ये दूसरी बात ये है कि कानून को एक तरफ छोड़ दे, एक सियासत है, ये इस्तीफे दे के इस्तीफे से कानूनी असर नहीं हम देख रहे कि कानूनी सिचुएशन क्या होगी और हाउस कंप्लीट नहीं होंगे तो उसमें कोई सिचुएशन पैदा हो जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि लोग इस्तीफे देने के बाद घर नहीं बैठेंगे, ये सड़कों पे आएंगे और सड़कों को गर्म करेंगे। नवाज शरीफ साहब भी तो मौलाना फजल रहमान साहब को, पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को ऑफर्स कर रहे हैं कि ये वाली टर्न आप ले लें, अगली वाली टर्न वो ले लें, सर हुकूमत को गिरा दें और फिर उसके बाद वजारत उज़्मा आप ले लें, सर ये कैसे ऑफर्स कर रहे हैं, कैसे किसी को वजीर आजम या वजारत उज़्मा दे देंगे और फिर सर वो वोट की इज्जत दो वाला नारा? नहीं, वजारत उज़्मा और ये चीजें तो वोट के जरिए मिलेंगी ना, वोट के बगैर तो नहीं मिलेंगी। मोहसिन साहब वही मैं पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर से बात करेंगे, पहले हुकूमत गिराएं फिर स्टेक होल्डर से बात करेंगे, अपनी शराइत के ऊपर फिर ये वजारत उज़्मा बांट दी जाएगी, मौलाना फजल रहमान साहब ले लें, आसिफ अली जरदारी साहब ले लें। सर देखिए ये तो पीडीएम के अंदर एक अलायंस में जितने भी लोग बैठे हैं उनका एक अपना इंटरनल फैसला होगा कि जाहिर है जो भी इंटरेस्टेड हैं, या मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है एग्जैक्टली मुख्तारी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, लेकिन एक सियासत का असूल होता है कि अगर आप एक टीम है तो फिर टीम मशावरत से फैसले करती है। सर आपको ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत नहीं मिलेगी अगले इंतखाबात में, क्योंकि जिसको अक्सरियत मिलेगी सर वजारत उज़्मा तो उसके पास जाएगी ना, क्या मियां साहब को ऐसा लगता है? देखिए वजारत उज़्मा का जो सवाल होता है, अभी मैं कहता ना कि अभी बड़ा लंबा सफर है, अभी तो आपने अभी शुरुआत है, इस वक्त इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ काफी प्रीमैच्योर सर। वैसे ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि मियां साहब ने छेड़ी है। अब ये बताइए कि अगर मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत हासिल कर भी ली तो क्या वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को दे दी जाएगी? सर ऐसा कह रहे हैं आप, बात आई है ट्विटर अकाउंट से, ये बात आई है मौसिन साहब, क्या मौसिन साहब रिपीट कीजिएगा आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑफिशियली कोई सर ये कल के इजलास के अंदर की कहानी है हमारे पास सर। छोड़े माशाल्लाह इतना बड़ा चैनल है, माशाल्लाह इतनी बड़ी एंकर हैं आप क्या सुनी सुनाई बातों पे? नहीं सर ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, आपको पता है समर टीवी की जितनी भी खबरें आ रही होती हैं वो आगे जाके फिर ऑथेंटिक होती है। आप कह दीजिए कि उन्होंने नहीं कहा, हम चला देते हैं अभी। फिलहाल तो ये हेर से है, सुनी सुनाई बात है, इस पे तो मेरा ख्याल से गुफ्तगु करना बनता ही नहीं। आप कह दें कि उन्होंने नहीं कहा, आप तर्दीद करें, मैं चला देती हूँ। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि सुनी सुनाई बात है, आपके पास कोई सोर्स तो है नहीं, आपके पास तो ये है कि इजलास में ये हुआ। सर आप तर्दीद भी तो नहीं कर रहे ना मोहसिन साहब, आप तर्दीद भी तो नहीं कर रहे, आप तर्दीद कर देते मैं चला देती। बहरहाल जो मेरे पास खबर है वो मैं नाज़रीन को बता रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन राजा, मैं आप साथ मौजूद थे।